ओडिशा के केंदुझर जिला बड़विल में ओडिशा मोटर चालक संघ की तरफ से ड्राइवरों के साथ कार्यस्थलों में आने वाली समस्याओं को लेकर एक बैठक की गई। आपको बता दें कि ओडिशा मोटर चालक संघ की तरफ से आज एक पत्रकार सम्मेलन किया गया, जिसमें ओडिशा के मोटर चालक संघ के सचिव प्रभाकर मालिक ने कहा कि बड़विल क्षेत्र के माइंस में जितने भी ट्रैक्टर ड्राइवर काम कर रहे हैं, वे बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तथा ओडिशा सरकार के पास परिवहन अधिनियम और खनन अधिनियम के तहत ट्रक ड्राइवरों के लिए विशेष व्यवस्था का प्रावधान होने के बावजूद जोड़ा खनन क्षेत्रों में खनन कंपनी तथा रेलवे साइडिंग में व्यवस्था नहीं है। आराम कक्ष, शौचालय, खाद्य व्यवस्था, मेडिकल सेवा, फर्स्ट एड व्यवस्था और गाड़ी धोने की व्यवस्था का नियम होने के बावजूद खनन कंपनी ये सब सुविधा ड्राइवरों को मुहैया नहीं करा रही। नो एंट्री के समय घंटों तक गाड़ियां खड़ी रहती हैं, वहीं पर ड्राइवरों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पा रही है। ओडिशा मोटर चालक संघ ने सरकार से अपनी मांग रखते हुए कहा कि सरकार इसको तत्काल लागू करे, नहीं तो ओडिशा मोटर चालक संघ की तरफ से आने वाले दिनों में चक्का जाम आंदोलन करने की ओर से चेतावनी दी गई। सर, आपका परिचय? मैं ओडिशा मोटर चालक संघ राउरकेला ब्रांच प्रेसिडेंट श्री नीलांचल प्रधान। सर, क्या उद्देश्य को लेकर आज यहाँ पे प्रेस मीट कर रहे हैं आप लोग? सर, बात यह है कि काफ़ी 2014 से हमारा ये संगठन ओडिशा मोटर चालक संघ ट्रेड यूनियन एक्ट से रजिस्ट्रेशन किया हुआ संगठन है। ये संगठन शुरू से ड्राइवर का शुभचिंतक साझा हुआ है। हर एक चीज़ का ड्राइवर का जो समस्या है, यह आप मीडिया, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का माध्यम से ये सरकार या प्रशासन का पास पहुंचाना चाहता है हर एक समस्या को। आज ये आपका यहाँ पर इतना सारा गाड़ी, मालवाही गाड़ी चलता है, इतना सारा लोडिंग अनलोडिंग होता है, तो इनका हर एक जगह में जब जाम लगता है वहाँ घंटों गाड़ी खड़ा रहता है, ड्राइवर खड़े रहते हैं, उनका कोई व्यवस्था नहीं है। वो उनके लिए खाने का व्यवस्था नहीं है, उनको पानी का व्यवस्था नहीं है, उनके लिए कोई बाथरूम का सुविधा नहीं है। पार्किंग रोड पर लगे रहता है तो पार्किंग में इतना सारा जाम लगता है कि साधारण जनता को गाड़ी आवन जाने के लिए काफ़ी सारा दिक्कत होता है, और जबकि चालक के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ सारा इतना आपका जो उत्पादन होता है, यहाँ से जितना रॉयल्टी गवर्नमेंट को जाता है, उस गवर्नमेंट का जो रॉयल्टी जो डीएमए फंड है, उस फंड से आपको गवर्नमेंट को, यहाँ आपका प्रशासन को, इनके लिए कुछ व्यवस्था होना चाहिए जिससे इनका काम करने का साधन थोड़ा सुविधा हो और इनको काम करने के लिए सुविधा लगे, और इनका परिवार को पास में इनको कोई कुछ तबीयत खराब होता है तो इनको परिवार के पास में जाने आने के लिए भी दिक्कत होता है, जबकि इनका पास कोई साधन नहीं रहता है। और एम्बुलेंस का व्यवस्था हर पार्किंग पॉइंट में होना चाहिए, वहाँ उनका हेल्थ चेकअप कैंप होना चाहिए। उसके बाद में ये संगठन आपका जितना सारा चालक है उनको अभी ये कोविड में इलेक्शन टाइम पर इतना सेवा करता है, साधन देता है समाज को, इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण ये चालक ये आपका व्यवस्था से हटते हुए जा रहे हैं। ये 2 साल कोविड में इनके लिए कोई रोजगार नहीं था, इनका कोई साधन नहीं था, तो ये सरकार से हमारा ये निवेदन है, ये प्रशासन से निवेदन है कि इन 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 चालकों के लिए कोई अच्छा व्यवस्था लाया जाए। इनके लिए ड्यूटी जो टाइम है, इनका कोई साधन नहीं है टाइम टेबल का, इनका जो व्यवस्था में इनके लिए कोई रेड सेड नहीं है, तो ये हमारा प्रशासन से और सरकार से दरख्वास्त है कि आने वाला समय में इनके लिए ये साधन मुहैया किया जाए। सर, परिचय दीजिए आपका। प्रभाकर मल्लिक, ओडिशा मोटर चालक संघ जनरल सेक्रेटरी स्टेट। सर, क्या उद्देश्य को लेकर आज प्रेस मीट किए? मुख्य विषय यह है कि इस क्षेत्र बड़विल क्षेत्र में जो माइंस है, रिस्पॉन्स प्लांट है, जहां से लोडिंग होता है अनलोडिंग होता है, उस क्षेत्र में कार्यरत जितना ट्रक ड्राइवर है वो बहुत परेशान में है। इनके लिए नो एंट्री का जो व्यवस्था है, उस वहाँ पर ना पानी का पीने का व्यवस्था है, ना टॉयलेट का व्यवस्था है, ना कोई स्वास्थ्य का व्यवस्था है, ना खाने का व्यवस्था है। इसका ये उसके साथ साथ जहाँ लोडिंग और अनलोडिंग पॉइंट में भी ड्राइवर लोगों का कोई सुविधा नहीं है। इसके लिए हम प्रशासन से मांग करते हैं कि उनका तुरंत ये सब व्यवस्था किया जाए, जो कि उनको पीने का पानी, उनका स्वास्थ्य का व्यवस्था, उसका साथ साथ उनका ठहरने का, रहने का व्यवस्था किया जाए डीएमए फंड का माध्यम से। दूसरा बात जो है, यहाँ पर जब नो एंट्री लगता है और जब पार्किंग रहता है गाड़ी में, तो गाड़ी जब छोड़ा जाता है तब
क्या होता है ना, कुछ छोटा छोटा गाड़ी जो है वो किसी तरह भी निकल के निकल जाने के लिए कोशिश करते हैं, उस समय कुछ दुर्घटना होता है, उस समय ड्राइवर लोगों को मारपीट करके ड्राइवर लोगों को उनको जो उनका ऊपर अत्याचार होता है उसका कोई उनको बचाने के लिए नहीं है। और इसका नाते कोई भी वहाँ एक्सीडेंट होता है इसका उसका जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको सुधार लाना चाहिए। और उसका साथ साथ यदि कोई दुर्घटना में कोई भी आदमी वहाँ चोट आता है तो उसको जो पहुँचाता है प्रशासन उसको बार बार ऐसे ना पूछे कि वो उसको परेशान ना ले। सरकार कानून बनाया है कि आप किसी भी दुर्घटना ग्रस्त कोई भी आदमी को पेशेंट को लेके आप हॉस्पिटल पहुंचाएंगे तो आपको इनाम मिलेगा, लेकिन वो दिखता नहीं है, वो सही में दिखता नहीं है। इसके लिए हम लोग प्रशासन को मांग रखते हैं कि अगले समय में ड्राइवर लोगों का ऊपर होता है ये जो अत्याचार होता है और ये जो सुविधा प्राप्त नहीं किया जाएगा तो हम लोग ओडिशा मोटर चालक संघ केंदुझर जिला को पूरा चक्का बंद आंदोलन करेंगे। आर9 भारत के लिए ओडिशा के केंदुझर जिला बड़वेल से शाहजाद आलम की रिपोर्ट।